यूपी में बीजेपी आज से शुरू करेगी यूपी नंबर वन, सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, सभी 403 सीटों पर जनता से लेगी सुझाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों का करेंगे लोकार्पण, श्रेष्ठ काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का दूसरा दिन, मड़ियाहूं बदलापुर में विजय रथ यात्रा निकालेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी का आज रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम अरवा पंजाब दौरा, जालंधर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल, ट्वीट कर लोगों से शामिल होने की अपील की। पंजाब में चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, चंडीगढ़ में पार्टी की प्रचार समिति की बैठक आज, सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग की टीम का आज पंजाब दौरा, टीम राज्य के अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज किसान रैली के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर रवाना होंगे, जगह जगह स्वागत की तैयारी, तीनों बॉर्डर अब खाली हो चुके हैं। चित्रकूट में आज से हिंदू एकता महाकुंभ, 5 लाख संत जुटेंगे यहां, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सैन्य धाम में आज शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश की राजकीय यात्रा, ढाका में विजय दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का 19 दिसंबर को गोवा दौरा, गोवा की आजादी के 60 साल पूरे होने पर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 57% लोगों ने माना कि मोदी के वाराणसी दौरे से यूपी में बीजेपी को होगा फायदा, जबकि 43% लोगों ने कहा कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में 53% लोग मानते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ से बीजेपी को फायदा होगा, 20% का कहना है कि थोड़ा ही फायदा उठा पाएगी बीजेपी, 27% लोगों के मुताबिक थोड़ा भी फायदा नहीं होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स वाले वादे पर सर्वे में लोगों की राय बराबर है, 50% मानते हैं कि आपको फायदा होगा, लेकिन 50% मान रहे हैं कि फ्री पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। वाराणसी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, 12 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपने कामकाज की रिपोर्ट दी। वाराणसी के उमराह में पीएम मोदी ने स्वरवेद महामंदिर धाम का दौरा किया, सदाफल देव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। उमराह में पीएम मोदी का बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला, काशी की बदहाली याद दिलाई, बोले पहले बदहाली थी अब सूरत बदल रही है। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा पीएम ने मां गंगा को अपवित्र किया, चुनाव आता है तो लगाते हैं डुबकी, कोरोना में लोग मरते हैं तो गंगा में बहा देते हैं। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव की सफाई, कहा योगी सरकार के अंत की बात कर रहा था, पीएम को बद्दुआ मैंने नहीं दी, मैं उनकी लंबी उम्र की करता हूं कामना। जौनपुर की रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, एबीपी न्यूज पर बोले बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बचा पाएगी, किसानों के साथ बीजेपी ने किया है धोखा। यही जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे जुमले निकले, इनकी हर बात झूठी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का काशी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना, बोली लोकार्पण से जनाधार नहीं बढ़ता। प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। चुनावी राज्य उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 6 जिले बनाने का चुनावी वादा, कहा आपकी सरकार बनी तो 1 महीने में बनाएंगे 6 जिले। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे।
पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल का महिलाओं से वादा, कहा सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए, पुराने बिजली बिल की माफी और 24 घंटे बिजली का दावा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए। गोवा में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा मुझे बीजेपी से कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक हुई, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, टीआर बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहे। माफी नहीं, माफी की कोई बात नहीं, नेताओं को बुलाया गया था। नो एपोलॉजी नो रिग्रेट्स। क्या सीएम ममता बनर्जी को मनाएगा यूपीए? सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा ममता बनर्जी को समझाने पर भी हुई बातचीत। और देखिए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में कल महंगाई और निलंबन के मुद्दे पर हंगामा हुआ, सभापति वेंकैया नायडू बोले पहले क्यों नहीं होने दी महंगाई पर चर्चा। महंगाई, किसानों की आमदनी, बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का मार्च, संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च, राहुल गांधी भी हुए शामिल। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार सदन में बहस नहीं होने दे रही, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है, ये लोकतंत्र की हत्या है। खुदरा के बाद अब थोक मुद्रास्फीति दर भी बढ़ी, थोक मुद्रास्फीति की दर में 14.23% तक पहुंच गई है यह दर, अक्टूबर में 12.54% थी। खनिज तेल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दरें बढ़ी हैं, 12 साल में सबसे ज्यादा हुई दर। देश के 12 राज्यों में महंगाई दर औसत से ज्यादा, चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब में भी महंगाई की मार, देहरादून में एक साल में जरूरी चीजों के दाम 20-25% तक बढ़े, अमृतसर में पिछले साल के मुकाबले दालों के दाम में बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गृह राज्य मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग की, राहुल ने कहा मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है। लखीमपुर हिंसा में प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा साजिश में मंत्री अजय मिश्रा की भूमिका की जांच होनी चाहिए, किसान विरोधी मानसिकता के चलते अजय मिश्रा को नहीं हटाया गया। लखीमपुर हिंसा में SIT के खुलासे पर भारतीय किसान यूनियन का बयान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और टैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और 120B सहित तमाम धाराएं इस केस में बढ़ाई गई हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। लखीमपुर खीरी के ओएल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आज बाल एवं महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, कोविड लैब का जायजा भी लेंगे। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने अपना ग्लोबल CEO बनाया, लंदन में काम संभालेंगी लीना ने, यूनिलीवर में CHRO पद से इस्तीफा दिया, सबसे कम उम्र की CHRO थी लीना। देश में अब तक 55% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। ABP News आपको रखे आगे।